Hello friends, welcome back to my channel. I'm Ajit Nagra. So on this channel, you'll get all videos related to education, fashion, beauty, kitchen and vlogs. So if you have already subscribed my channel, thank you so much for your love. And if you are new on my channel, you have not subscribed, then please first subscribe my channel and press the bell icon also so that you will not miss out my any video notifications and stay connected for more videos. आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग नोटबुक्स को सीजर्स यूज़ किए बिना कवर कैसे कर सकते हैं बहुत ही स्मार्ट वे से। यूजुअली हम लोग नोटबुक कवर करने के लिए कवर यूज़ करेंगे, सीजर्स चाहिए होती हैं, सैलो टेप या फिर स्टेपलर यूज़ करते हैं। बट समटाइम्स अगर हमारे पास सीजर नहीं है तब भी हम कवर कर सकते हैं सीजर के बिना। समटाइम्स होता है कि हमें सिर्फ हमारे पास कवर है, नोटबुक है, तो हम विदाउट एनीथिंग, विदाउट सीजर्स कैसे कवर करेंगे, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कवर करना है। तो ये देखिए, अब हमारे पास सिर्फ कवर है और नोटबुक है, तो हमने एक साइड से कवर को प्रॉपर फोल्ड कर लेना है और सेम वे से लेंथ वाली साइड हम पहले दोनों साइड से प्रॉपर इसको एक क्रीज बिठा के बहुत अच्छे से उसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम लोग सीजर होती है तो हम लोग यहाँ से साइड से कट करते हैं ना, तो हमारे पास सीजर्स नहीं है तो हम विदाउट सीजर्स कैसे इस नोटबुक को कवर करेंगे। मे भी बहुत सारे लोगों को शायद ये पता भी होगा, बट स्टिल कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जिनको ये वाला मेथड नहीं पता। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि मैं बहुत सारी बैक टू स्कूल सप्लाइज़ की कुछ वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो देन आई थॉट कि हाँ आई शुड स्टार्ट विद दिस बेसिक थिंग, कि अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम ऑल्सो। तो अब लाइक वो नोटबुक का कवर बहुत लाइट होता है ना, तो वो जो एकदम से फोल्ड होने लगता है, तो वी विल पुट सम वेट। ये नोटबुक्स ही मैंने रख ली हैं ताकि वो ऊपर उठे ना। और देखो ये अब लोअर साइड से हम लोग इसको फोल्ड कर देंगे दोनों कॉर्नर्स से, और ये बहुत फाइनली ताकि वो जो पेपर है वो बाहर की साइड ना आए। और यहाँ से हम लोग इसको नोटबुक को ये उठा के और यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ये प्रॉपर इसकी क्रीज जो है वो बिठा देंगे अच्छे से। और ये देखो ये बस हमने कवर अंदर कर दिया है, वो पूरा मीन्स स्टेपल होती है ना नोटबुक्स, तो वो जो स्पेस होता है बीच में, और ये देखो मतलब इतनी नीटली वो कवर अंदर फोल्ड हुआ है कि वो सीजर्स के कटिंग के कोई निशान नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही जैसे होता है ना फिनिशिंग प्रॉपर वाली। तो ये चीज़ मतलब ये सीजर्स से कट करने के बजाय लाइक ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, फाइन और नीट एंड क्लीन लगता है। सेम वे से हम दूसरी साइड से भी, जैसे हमने पहली साइड से उसको फोल्ड किया, ये देखो बीच में ये ना स्टेपलर पिन्स होती है ना, तो इसलिए ये स्पेस होता है, तो हम लोग इजीली इस स्पेस को, ये नोटबुक के पेजेस को उठा के हम लोग, और ये देखो यहाँ से इसके अंदर बस डाल देना और बहुत आराम से बहुत अच्छे से सेट हो जाता है ये कवर। तो समटाइम्स होता है, ये बड़े बच्चों के साथ बहुत होता है कि नोटबुक्स कवर नहीं है और अचानक से टीचर ने बोल दिया कि हाँ आई हैव टू कलेक्ट नोटबुक्स एंड आई हैव टू गिव यू मार्क्स फॉर दैट, कि मैंने नोटबुक सबमिशन के भी मार्क्स देने हैं ऑल दैट। और बड़े बच्चों के साथ अक्सर होता है कि वो लोग थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, नोटबुक्स वगैरह कवर नहीं है और लास्ट मोमेंट पे याद आता है ओ माय गॉड अब नोटबुक कैसे कवर करूँ, कवर कहीं ना कहीं से ले लेते हैं और फिर सीजर्स के लिए ढूंढ रहे होते हैं। तो ये इजी वे है कि आप लोग कैसे बहुत इजीली कवर कर सकते हो अगर आपके पास सीजर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद आप लोग सेलो टेप वगैरह लगा सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग किस ढंग से कवर करते हैं विदाउट सीजर्स और सीजर्स। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब।